नमस्कार भाइयों, इस वीडियो में बताऊंगा व्हाट्सएप पर कुछ आपका भी फिंगर लगा हुआ आता है तो इसको कैसे हटाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कैसे हटाया जाता है फिंगर। इस वीडियो पूरा वॉच करना, वीडियो को तभी समझ में आएगा कि फिंगर कैसे हटाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पूरी वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। इसके लिए क्या करना हो पहले पहले आपको बैक आ जाना, और बैक आने से पहले एक बार मेरी गौर से सुन लेना कि मेरे वीडियो को लाइक कर देना तभी समझ में आएगा। इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको प्ले स्टोर पर आना। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ सर्च करना व्हाट्सअप, यहाँ सर्च करना व्हाट्सअप। सर्च करने के बाद कुछ आपके सामने दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद कुछ आपको यहाँ आपका अपडेट नहीं हो व्हाट्सअप तो यहाँ अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद कि अपडेट से आपके ये फ़ायदे होते हैं कि नए फीचर आ जाते हैं, और आपको अपडेट करने के बाद कुछ आपके आपको व्हाट्सअप पर आ जाना। व्हाट्सअप पर आने के बाद आपको फिंगर हटाना बताऊंगा। इस फिंगर एग्जैक्टली अपना फिंगर लगा देना। फिंगर लगाने के बाद कुछ आपको 3 लाइन दिख रही होंगी, 3 लाइन। इस 3 लाइन पर क्लिक करना। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने दोस्तों नया पेज खुलकर आ जाएगा। नया पेज खुलकर आने के बाद आपको क्लिक करना सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने दोस्तों ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। आने के बाद कुछ आपको क्लिक करना प्राइवेसी पर। इस वाले प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद कुछ दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद कुछ आपको क्लिक करना इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको ये वाली सेटिंग दिख रही है। एग्जैक्टली ये आपको दोनों सेटिंग दिख रही है, ये वाली इन्हें ऑफ कर देना, ये दोनों बंद कर देना। सेटिंग बंद करने के बाद कुछ आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद कुछ अपना अपना व्हाट्सएप ओपन करना। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद देखो दोस्तों कुछ आपका फिंगर हट जाएगा। देखो एग्जैक्टली अब फिंगर नहीं आ रहा। ऐसी वीडियो जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।